खाद्य विभाग की छापामार कार्रवाई, दो डेयरियों सहित दो मिठाई की दुकानों से लिया सैंपल। कामा विरज मेवा क्षेत्र में होली का त्योहार और शादियों का सीजन चलते ही मिलावटखोरों द्वारा जमकर दूध डेयरियों और मिठाइयों की दुकानों पर मिलावट की जा रही थी, जिसके चलते भरतपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह ने एक टीम का गठन कर कामा के पहाड़ी में छापामार कार्रवाई करने के लिए टीम भेजी, जहां दो दूध डेयरियों सहित दो मिठाइयों की दुकान से कलाकंद के नमूने लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं। वहीं खाद्य विभाग की कार्रवाई के चलते मिलावट करने वाले दुकानदारों और डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग के जगदीश गुप्ता ने बताया कि भरतपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर कामा क्षेत्र के पहाड़ी कस्बा में संचालित तौफिक डेयरी एवं खान डेयरी सहित देवती हलवाई और अतर सिंह मिठाई वाले से कलाकंद के नमूने लिए गए, जिसके बाद सभी नमूनों को मौके पर ही सील कर जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है। यहाँ जांच रिपोर्ट आने के पश्चात नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं खाद्य विभाग की कार्रवाई के चलते डेयरी संचालकों सहित मिठाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया और अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर भूमिगत हो गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर डॉक्टर कप्तान सिंह के द्वारा दिए निर्देशानुसार आज टीम पहाड़ी आई, वहाँ पर तौसिफ डेयरी से दूध का नमूना तथा खान डेयरी से दूध का नमूना लिया गया, उस तरह से देवती हलवाई से कलाकंद का नमूना और अतर सिंह मिठाई वाले से कलाकंद का नमूना लेकर के जाँच हेतु प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जाँच रिपोर्ट आने पर